जेहियो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और सब जा रहे थे। हैरी बोलती है, तुम सब फर्स्ट में ऐसे ही रिएक्ट करते हो और इस बारे में सोचना, तुम्हें फ्रेंड्स चाहिए या म्यूजिक। वो सब चले जाते हैं। वो क्यों सबका वेट कर रही थी, वो सब आते हैं। वो सबसे पूछ रही थी पर जेहियो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। वो क्या हुआ है पूछती है। हाजिन बोलता है, वो हम सबको अलग करना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ जेहियो और ह्यूसो को कॉन्ट्रैक्ट दिए। क्यंगजोंग बोलता है, हमारा लीडर अच्छा है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। पर वो क्यों उन लोग पर चिल्ला रही थी, तुम लोग क्यों ऐसे छोड़ कर आ गए। तुम लोग के वजह से जेहियो का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। जेहियो को उसे चुप रहने के लिए बोलता है और चला जाता है। वो जा रहा था तभी उसके पीछे सुआ आती है। उसके सर पर एक तोड़ने वाली थी। जेहियो देख लेता है तो उसे हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है। जेहियो ये क्या कर रही थी पूछता है। वो बोलती है, एक तोड़ने वाली थी और तुम्हें भूख लग रहा है तो लो खाओ बोलती है और देती है। वो उसके सर पर मरता है। उसकी हिचकी बंद हो जाती है। फिर दोनों घर जाते हैं। सुबह उसके बारे में सोच रही थी और सिंहुन का नोटबुक देखती है। अगले दिन आई कैंडी ग्रुप आ रहे थे। सब लड़कियां उन्हें देखकर बात कर रहे थे। एक लड़की को धकेल देते हैं। वो जाकर ह्यूसो से टकरा जाती है। हाजिन उसे तुम ठीक हो पूछता है। सब लड़कियां उस लड़की से जेलस हो रहे थे और वो सब ऑसम है बोलते हैं। ये सब स्ट्रॉबेरी ग्रुप देख रहे थे। वो सब बस दिखा रहे हैं बोलते हैं और ये सब केचप का कमाल है बोल रहे थे। और इन लोग को कॉन्टैक्ट कौन दिया है बोलते हैं, कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं। आई कैंडी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हैरी को टैलेंट के बारे में कुछ पता नहीं। हाजिन बोलता है, उस दिन ह्यूसो बजा नहीं पाया इसलिए वो सब अच्छे से खत्म नहीं कर पाए। सो कोई भी उसके स्किल के बारे में सुन नहीं पाए। ह्यूसो बोलता है, तुम कहना चाहते हो कि ये मेरा गलती है। सब साथ में बजा रहे थे और वो रात में भी प्रैक्टिस करता था और तुम नाइट क्लब में रहते थे। फिर दोनों लड़ने लगते हैं, चुप करवाते हैं, फिर भी वो लोग नहीं सुनते हैं। इसलिए जांगदो चला जाता है। जेहियो उसे बुलाता है पर वो नहीं सुनता है। नेक्स्ट दिन सुबह प्रैक्टिस कर रही थी। सिंघुन आता है और उसे सिखा रहा था। फिर वो उसका नोटबुक और हेडफोन देती है पर MP3 वो गुम कर दी थी। सिंघुन बोलता है, तो तुम अपने पैसों से न्यू खरीद कर दो। तुम अगर मुझे दोगी तो क्या तुमको लगता है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मुझे आराम मिलेगा। पर सुआ बोलती है, वो अब तुम्हारा कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिंघुन क्यों पूछता है। वो बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुमसे कितना लिया है। मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारे वर्ड के लिए सच में थैंकफुल हूँ और खुश हूँ बोलकर जा रही थी। सिंघुन पूछता है, क्या कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो। सुआ वैसे ही लगता है बोलकर चली जाती है। सिंघुन बहुत गुस्से में था। नेक्स्ट दिन जेहियो जांगदो के साथ में था। जांगदो बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसे हमारे वजह से जाने मत दो और तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। जेहियो बोलता है, तुम्हें याद है ब्योंगे क्या कहा था, वो सब साथ में स्टेज पर प्ले करेंगे। वो माइक पकड़ेगा, ह्यूसो गिटार बजाएगा और ड्रम कौन बजाएगा, ब्योंगे का सॉन्ग वो सब साथ में करेंगे। और उसे चलने के लिए बोलता है, वो सब प्रैक्टिस करने आते और वो सब हैरी को दिखा देंगे बोल रहे थे। तभी वहाँ से रॉक किम निकलता है। वो सब डर जाते हैं और उसे कौन है पूछते हैं। जांगदो बोलता है, ये रॉक किम है जैसे लग रहा है। सब उसे देख रहे थे पर रॉक किम सब चेक कर रहा था और जा रहा था। जेहियो बोलता है, हम नहीं जानते हैं तुम रॉक किम हो या नहीं, तो तुम सब जानते हो जैसे प्रिटेंड मत करो बोलता है। वो चला जाता है। कोई कोई समझ नहीं पाते। फिर जेहियो सबको प्रैक्टिस करने बोलता है। सब प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन सिल्वर टीचर आई कैंडी ग्रुप का सॉन्ग गाते जा रहे थे। प्योजो आई कैंडी ग्रुप का बुराई कर रहा था। टीचर क्या बोले पूछते हैं। प्योजो आपके बारे में बात कर रहे थे बोलता है। टीचर गुस्सा हो जाते हैं। चुमारो बोलता है, आपको क्या याद नहीं है, आप स्टूडेंट को ग्रेड दे रहे थे और आप सोच रहे हो सेफ हो क्योंकि आप इस स्कूल के परमानेंट टीचर नहीं हो। टीचर गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को मारते हैं। जेहियो टीचर को रोक लेता है और सबको कैमरा बंद करने के लिए बोलते हैं। टीचर सबको क्लास जाने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन सिंहुन अपनी बहन की ऑफिस आता है और आई कैंडी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट तुम दिए हो पूछता है। हैरी बोलती है, ये तुम नहीं कर रहे थे और तुम पापा के खिलाफ हो। पर वो गुस्से में था। हैरी बोलती है, मुझे पसंद है और उन सब में टैलेंट है और मेरा छोटा भाई उन सब से जेलस हो रहा है और तुम सोच रहे हो वो सब कुछ बड़ा करेंगे। सिंहुन गुस्से में था और इधर बॉयफ्रेंड प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ हैरी आती है और तुम सब कल ऑफिस आओ बोलती है। तुम सबका भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब बहुत खुश थे। सबको कल पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने आने बोलते हैं। ये सुनकर जेहियो और जांगदो सेट थे। रात में सुआ जेहियो का वेट कर रही थी। वो आता है। सुआ उसके पास जाती है और उसके सर पर एक मारती है और वो चली जाती है। जेहियो भी उसके पीछे जाता है। आगे से सब आ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे थे, वो
वो सब सेलिब्रेट करने आ रहे हैं बोलते हैं। अर्जुन बोलता है तुम दोनों को देखकर लग रहा है तुम दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, पर वो क्यों, तुम दोनों साथ में क्यों आए, बोलती है और गुस्से में थी। क्योंजंग सुआ को भी बुलाता है, जीहू इसे क्यों बुला रहे हो, बोलता है क्योंकि ये ब्योंगे की गर्ल है। जीहू उन्हें लेकर चला जाता है। वो क्यों जांगदो से बोलती है, जीहू सुआ के सामने में हंसता है पर मेरे सामने में नहीं हंसता। सुआ उन सब का आवाज सुन रही थी। अगले दिन सब सिल्वा टीचर के वीडियो देख रहे थे और टीचर यहाँ पे रहेंगे कि नहीं सोच रहे थे। जांगदो जीयुक से तुम्हारी मम्मी आ रहे हैं कि नहीं पूछता है, पर वो मुझे नहीं पता बोलकर चला जाता है। सिल्वा टीचर से मिलते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं। उनको स्कूल में रहना है और उनकी बेटी की खर्चा भी उठाना है, सो प्लीज इस बार माफ कर दे, बोलते हैं। टीचर उनको 6 महीने सस्पेंड कर देते हैं, फिर और देखते हैं बोलते हैं, क्योंकि प्योजो के पापा भी एक पावरफुल आदमी है। सिल्वा टीचर उन्हें एक चांस देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट दिन ह्यूनसो अपने मम्मी पापा के साथ में ऑफिस आया था। वहाँ येरिम आती है और ह्यूनसो का हाथ पकड़ कर चेक कर रही थी। वो उसे सॉरी बोलती है। ह्यूनसो की मम्मी तुम येरिम हो, पूछते हैं और वो बहुत बड़ी फैन है बोलती है। ऑटोग्राफ मांग रहे थे तभी ह्यूनसो उन्हें रोकता है और वो बहुत गुस्से में था। येरिम को बुलाते हैं, वो चली जाती है। वहाँ सबके मम्मी पापा आते हैं। जीयुक जांगदो से पूछता है कोई आ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता है बोलता है। वहाँ जांगदो के पापा भी आते हैं। वहाँ सब पेरेंट्स अपने ही बेटे का तारीफ कर रहे थे और साइन करते हैं। जीयुक की मम्मी लॉयर से कुछ भेजे हैं बोलते हैं। सिंघुंग सॉन्ग राइटर है, पब्लिक में पोस्ट हो गया है देखने के लिए बोलते हैं। सब इसके बारे में बात कर रहे थे। डियोमी सुआ को बताती है सिंघुंग सॉन्ग राइटर है, तुम्हें पता था, वो हाँ बोलती है। और आई कैंडी ग्रुप कॉन्टेक्ट सेंड किए, तुम्हें पता है, वो नहीं बोलती है। जीयुक उसे क्यों नहीं बताया, वो सोच रही थी। डियोमी तुम मुझे क्यों नहीं बताई, बोलती है। सुआ सिंघुन किसी को भी बताने से मना किया था, बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता चला। डियोमी फोन दिखाती और है सिंघुन का तारीफ कर रही थी। नेक्स्ट दिन सिंघुन की बहन उससे कॉल करके ये सब क्या किए हो पूछ रही थी। पापा से क्या बोलेंगे, बोलती है, पर सिंघुन मुझे नहीं पता, बोलता है। तुम पापा से डर रही हो, पर मैं नहीं, और वो अब सच में सब करना चाहता है, बोलता है। वो कुछ छुपाना नहीं चाहता है। तभी वहाँ प्योजो आता है। और तुम सॉन्ग लिखते हो, ये सरप्राइजिंग न्यूज़ है, तुम हमसे क्यों छुपाए, और तुम डेब्यूट करने वाले हो, वो हाँ बोलता है। प्योजो हम फर्स्ट प्रिपेयर कैसे करें और बहुत मजा आएगा, बोल रहा था, पर सिंघुन मैं अकेला करूंगा, बोलता है। ये सुनकर वो सब सैड हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी ग्रुप का क्या होगा, पूछते हैं, पर सिंघुन बोलता है मुझे अपने स्कूल की यादें स्टोर कर रखना। जंगमारो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं। प्योजो गुस्से में था और तुम हमें छोड़ने वाले हो, बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह वो सब कॉन्टेक्ट साइन किए वो सोच रही थी, पर जीयुक उसे कुछ भी नहीं बताया था। रात में आई कैंडी ग्रुप रहता है। क्योंजंग सुआ और सिंघुन का डेटिंग अच्छा है, बोलता है, उसने तुम्हें कहा था, बोलता है, और वो थक गया है, बोलकर चला जाता है। सुआ घर आती है, बाहर सिंघुन वेट कर रहा था और तुम ठीक हो, पूछता है। सुआ क्या हुआ है, पूछती है। वो बोलता है तुम जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं वेट करूंगा, पर सुआ ऐसे मत करो, बोलती है। सिंघुन बोलता है मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, और हाथ पकड़ लेता है। सुआ अब थक गई है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। सिंघुन उसे रुको मेरी बात सुन लो, बोलता है। जीयुक देख लेता है और उसे हाथ छोड़ने के लिए बोलता है। सिंघुन उसे घर जाने के लिए बोलता है और वो दोनों बिजी है, पर सुआ सिंघुन को घर जाने के लिए बोलती है, वो बाद में सुनेगी, बोलती है। जीयुक बोलता है यही कारण है कि स्कूल में सब बात कर रहे हैं, तुम इधर उधर भाग रही हो, और तुम बोल रही हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। सुआ बोलती है तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं या नहीं, मैं इन दिनों तुम दोनों में से काफी टाइम बिता रही हूँ, मुझे तुम दोनों में से किसी की जरूरत नहीं, तो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, बोलकर चली जाती है। वो क्यों जीयू को बुलाती है, वो चला जाता है। जीयू का मूड ऑफ हो गया था। अगले दिन सुआ उसे इग्नोर कर रही थी। रात में जीयू उसकी वेट कर रहा था और उसे कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती है। वो जो बोली थी उसे सोच रहा था और वो जहाँ काम करती है वहाँ जाता है और उसे कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती है। वो बाहर वेट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलती है। जीयुक उसे फोन क्यों नहीं उठा रही थी पूछता है, पर वो गुस्से में थी और जा रही थी। उसे रोकता है और मुझे नहीं पता था कि चीजें कैसे बदल जाएंगे। सुआ बोलती है क्या मुझे तुम नहीं जानते थे। जीयुक बोलता है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो पागल है क्योंकि तुम्हें लाइक करता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।